पाए। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन में बॉलीवुड की गलियारों में क्या क्या चीजें रही खास और किन किन बातों में बटोरी है सुर्खियां। बट हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देरी किस बात की है, अभी करिए क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए बॉलीवुड की दुनिया से सबसे हॉटेस्ट अपडेट्स एंड गॉसिप्स आपके लिए सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। दबंग 3 मतलब भाई जान की मूवी आई और हमें एक्साइटमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दबंग 3 को लेकर भी कुछ ऐसी एक्साइटमेंट सारे फैंस और ऑडियंस में बरकरार है और जब से उसका फर्स्ट पोस्टर आउट हुआ है तब से ये एक्साइटमेंट जो यहाँ थी अब यहाँ हो चुकी है। सिर्फ हमें और आप में ही नहीं, जब से इस बारे में कैटरीना कैफ से पूछा गया कि उनका क्या रिएक्शन था इस पोस्टर के बारे में तो उन्होंने बोला इट इज सिंपली इनक्रेडिबल। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि दबंग 3 कितनी फन मूवी फ्रेंचाइजी है और जब इसका थर्ड पार्ट आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा मस्ती भरा होने वाला है। ऐसा तो उसके फर्स्ट पोस्टर को देखकर ही उन्होंने ये कमेंट किया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इंडिया हार्ट थ्रॉब एक्शन सुपरस्टार प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म साहू ने जब से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दिया है तब से फैंस की एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर कम ही नहीं हो रही और वो उसको बेशुमार प्यार दे रहे हैं। दोस्तों ये जो प्यार है ना, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा है उसके कलेक्शन फिगर्स में, मतलब साहू के कलेक्शन दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो दोस्तों उसने 150 करोड़ क्लब भी क्रॉस कर लिया है। इसी के साथ साहू केसरी और टोटल धमाल को पछाड़ते हुए टॉप 5 ग्रॉसर्स ऑफ 2019 हाईएस्ट ग्रॉसर्स में एक अपना हिस्सा बना चुकी है। मशहूर फिल्म निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा अपनी नई फिल्म डेविल के साथ बहुत जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाले थे। बट दोस्तों क्या आपको पता है कि इस फिल्म में वो महेश बाबू को कास्ट करने वाले थे, बट अगर अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो अभी खबरों का बाजार गरम है कि रणबीर कपूर ने महेश बाबू को कर दिया है रिप्लेस। जी हाँ, रणबीर कपूर ने छीन ली है महेश बाबू से डेविल। पॉलिसी के बारे में तो आप सबने ही सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि सलमान खान ने संजय लीला भंसाली के साथ जो फिल्म इंशाल्लाह वो करने वाले थे उससे इस नो किस पॉलिसी के वजह से ही बैकआउट किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले खबरों का बाजार गर्म था कि कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते सलमान खान इस फिल्म से पीछे हट गए, बट अभी अगर हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो ये बोला जा रहा है कि स्क्रिप्ट में सलमान खान को आलिया भट्ट को काफी बार किस करना था बट उनकी पॉलिसी जो कि नो किस पॉलिसी है उसको वो ओबे करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म से बैकआउट कर लिया। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनने वाली फिल्म जो कि आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे, ये फिल्म मोगल गुलशन कुमार के लेट फादर भूषण कुमार के लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित है। इस फिल्म में भूषण कुमार का रोल प्ले करने के लिए सबसे पहले खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया था पर किसी अननोन रीजंस के चलते उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया। उसके बाद वरुण धवन को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था क्योंकि आमिर खान को लगा कि इस फिल्म के रोल के लिए वरुण काफी सूटेबल है, लेकिन वरुण की प्लेट ऑलरेडी फुल थी, उनके पास आगे वाले सालों में बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी वो पैक थे इसलिए उन्होंने भी इस फिल्म से मना कर दिया। उसके बाद कपिल शर्मा को अप्रोच किया गया इस फिल्म के लिए पर क्योंकि बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस कपिल शर्मा ने भी इस फिल्म से अपना रास्ता पीछे ले लिया। तो दोस्तों आखिरकार अब आमिर खान ही फिल्म में भूषण कुमार के रोल को प्ले करते नजर आएंगे, बट क्या रीजन रहा होगा इन सारे सेलिब्रिटीज का इस फिल्म से बैकआउट करने का।
परफॉर्म नहीं कर पा रही है और इसका प्राइमरी रीजन यही है कि इस फिल्म को जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतने स्क्रीन्स ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब इस फिल्म में एक बहुत ही बेहतरीन सेलिब्रिटी सुनील शेट्टी है और किचा सुदीप जो कि अभी दबंग 3 में सलमान खान के ऑपोजिट विलेन का किरदार निभाते नजर आएंगे। ये दोनों की ये फिल्म पहलवान वैसे तो क्रिटिक्स को काफी ज्यादा पसंद आई है और जो लोग देख रहे हैं उसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट किसी रीजन के चलते इस फिल्म को बहुत ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिल पाई है जिसका सीधा सीधा असर इसके कम होते हुए कलेक्शंस पर दिख रहा है। आज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हैप्पी वाला बर्थडे और आज के दिन ही अक्षय कुमार ने रिलीज किया है फर्स्ट लुक पोस्टर पीएम नरेंद्र मोदी के लाइफ पर आधारित फिल्म मन बैरागी का। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं संजय त्रिपाठी और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं संजय लीला बंसाली और महावीर जैन। अभी इस फर्स्ट लुक पोस्टर को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी की इस बायोपिक को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अर्जुन रेड्डी फेम विजय देवरकोंडा अपनी अगली मूवी के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों अगर खबरों की मानी जाए तो इस मूवी का नाम होने वाला है वर्ल्ड फेमस लवर। जी हाँ, इस मूवी में विजय चार हीरोइंस के ऑपोजिट रोमांस करते नजर आएंगे। बिग बॉस 13 को लेकर एक्साइटमेंट तो थमने का नाम ही नहीं ले रही और जैसे जैसे इसका प्रीमियर पास आता जा रहा है वैसे वैसे इसमें कौन कौन से कॉन्टेस्टेंट्स देखने को मिलेंगे उसके लिए बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे अगर अभी खबरों की मानी जाए तो बहुत ज्यादा कंफर्म सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस दिलजीत कौर का बिग बॉस 13 में एक कंटेस्टेंट होना तय है। बागी और बागी 2 की सफलता के बाद लोगों को इंतजार था तो और सिर्फ बागी 3 का। दोस्तों मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया है कि बागी 3 की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और उन टाइगर के बड़े भाई का रोल प्ले करते नजर आएंगे रितेश देशमुख। पर जो बात आपको नहीं पता है वो अभी बता दूं। अभी अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो साउथ की फिल्म विटाई जिसमें आर माधवन और समीरा रेड्डी बहुत अहम भूमिका निभाते नजर आए थे, शायद बागी 3 होने वाली है उसकी रीमेक। जी हाँ दोस्तों, बात ये सुनने में आई है कि बागी 3 होने वाली है साउथ की फिल्म विटाई की रीमेक।